दोस्तों, मैं दर्शक और आपको हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप भी अपने मोबाइल से कैसे किसी भी फोटो का स्टिकर बना सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। तो बिना स्किप किए देखना तभी आपको पता चलेगा। और आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो सबसे पहले आपको ओपन करने होगा पिक्सल आर्ट। जो आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सिंपली से यहां पर प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको बैकग्राउंड, जो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सिंपली से यहाँ पर दूसरा नंबर पर वाला जो चौकड़ी चौकड़ी है सफ़ेद और काला कलर की, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको इस तरह से, तो इस तरह से हमारा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सिंपली से यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड फोटो पर क्लिक करोगे आपको इस तरह का आपको गैलरी ओपन हो जाएगी। आपको सिंपली से आपको जो भी फोटो चाहिए उसको आप क्लिक कर आप ऐड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको इस तरह से आ जाएगा, आपको उसको बड़ा कर लेना है। बड़ा जैसे ही आप करोगे आपको यहाँ पर कटर का ऑप्शन मिल जाएगा, कातर जैसा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सिंपली से यहाँ पर जो दूसरा नंबर वाला है उस पर, और आपको साइज बड़ा देनी हो और आपको इसको सबको सेलेक्ट कर देना है। आपको जो भी चाहिए, आपको जिस तरह से स्टिकर बनाना है और किस कितना हिस्से चाहिए उस तरह से आपको ये सब सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर आपको एरो का निशान मिल जाएगा, आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट कर लेगा किस तरह से हमारा बैकग्राउंड है और किस तरह से हमारा फोटो है, उसको ऑटोमेटिक आपको कट कर देगा। तो इस तरह से हमारा फोटो को सेलेक्ट कर लिया है ऑटोमेटिकली, और जहाँ पर हमारा हिस्सा नहीं लिया हो वो हमें यहाँ पर दूसरे नंबर पर ब्रश पर वाला ऑप्शन पर और दो उंगली से जूम कर आपको यहाँ पर इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आपको जहाँ जो हिस्सा नहीं चाहिए उसको आप रबर से यहाँ पर क्लिक कर जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फोटो सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको जो आइकन दिखा रहे हैं वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका इस तरह से फोटो हमारा कट हुआ है वो आपको दिखाई देगा। आपको सिंपली से यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे आपको इस तरह से रेटिंग होगा और आपका फोटो कट हो जाएगा वहाँ से। इस तरह से हमारा फोटो कट हो गया है और उसको हम बड़ा कर लेंगे। और यहाँ पर आपको जो खरा की निशानी है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका फोटो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सिंपली से यहाँ दूसरा कोई जो आपके फोटो में करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, वरना आप स्टिकर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आपको ईरो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ईरो पर क्लिक करोगे आपको इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस तरह का इंटरफेस दिखाने के बाद आपको सिंपली से गैलरी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गैलरी पर क्लिक करोगे आपको सेव गैलरी टू आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ से सिंपली से यहाँ पर हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम सिंपली से गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद आपको यहाँ पर आपका स्टिकर बनकर रेडी हो गया है, ये आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा स्टिकर बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से आप भी अपने किसी भी फोटो को या किसी भी और फोटो को आप स्टिकर बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहें। जल्दी मिलते हैं नए अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय और जय हिंद।